राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत लाभार्थियों में आवश्यक वस्तुओं का समुचित वितरण सुनिश्चित कराने एवं अंत्योदय लाभार्थियों को आयुष्मान योजना का लाभ पहुंचाने हेतु उचित मूल्य विक्रेताओं की जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में योगी बाबा गंभीर नाथ प्रेक्षागृह में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि जिले के सभी कोटेदारों मार्केटिंग के अधिकारियों के साथ कार्यशाला का आयोजन किया गया। सबसे पहले इस महीने का राशन उत्थान होना है व सिंगल स्टेप डिलीवरी के लिए उनका प्रशिक्षण व क्षमता वृद्धि भी की जा रही है और उनसे अपेक्षा वृद्धि भी की जा रही है कि शासन के निर्देशानुसार शत प्रतिशत पारदर्शिता पूर्वक राशन का वितरण हो सके। इसके अलावा पीएम वाणी स्कीम के तहत कोटेदारों के दुकानों पर वाईफाई जोन बनाकर निःशुल्क वाईफाई सुविधा उपलब्ध कराने की बात की जा रही है, जिसके बारे में सभी कोटेदारों को विस्तृत जानकारी दी जा रही है, जिससे कि पीएम वाणी स्कीम का संचालन सुचारू पूर्वक हो सके तथा साथ ही साथ आयुष्मान योजना के तहत अंत्योदय कार्ड धारकों का शिविर लगाते हुए बीएलओस के साथ जोड़ते हुए कार्ड बनाने के लिए बताया गया, जिससे आयुष्मान योजना का सभी लोगों को लाभ मिल सके। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन प्रभुनाथ गुप्ता, जिला पूर्ति अधिकारी रामेंद्र सिंह, सप्लाई इंस्पेक्टर अरुण सिंह, आयुष्मान प्रभारी डॉक्टर संचिता मल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, चल जाएगा लेकिन फ्रूट नहीं, फ्रूट का इस्तेमाल बिल्कुल मना है। ये हमारे सभी शासकीय कार्यों में और भी हमारी अन्य जो फाइलें होती हैं जो हम लोग और मामलों में भी अपना ये सब करते हैं, तो काट के अगर कोई गलती हो गई। शनिवार और रविवार को का दिन हम लोगों ने इसलिए निश्चित किया था कि और आपका आपके सहयोग ये था कि वहाँ पर उसको एक थोड़ा सा बैठने का कोई स्थान उपलब्ध करा देंगे, कुछ फर्नीचर उपलब्ध करा देंगे, वहाँ पर लेखपाल आंगनबाड़ी आशा वगैरह ये सब आएंगे और ऐसे आयुष्मान कार्ड धारक और उनके जो परिवार के जो कार्ड में अंकित हैं उन सभी का आयुष्मान कार्ड बनना था। ये संख्या अभी हमारे जनपद में बहुत बड़ी संख्या में है, इनके 2.5 लाख अभी हमारे यहाँ अभी अवशेष रह गया। जब से ये स्कीम हम लोगों ने शुरू किया था उसमें 1 लाख कार्ड अभी करीब करीब बना है और जबकि हमारे जिले में करीब 900 बीएलईज हैं जो एक्टिव हैं इस काम के लिए करते हैं। बीएलई की संख्या तो बहुत बड़ी है, करीब 2500 हैं, लेकिन जो आयुष्मान कार्ड के लिए जो एक्टिवेट हैं जिनके उनकी संख्या करीब 900 है। तो हम लोगों ने यही आकलन किया था कि अगर ये शनिवार और इतवार ये 2 दिन में अगर बैठेंगे तो अगर एक एक व्यक्ति का भी बनाएंगे तो हमारा मतलब 2 दिन में 1800 बनेगा। इस तरह से अगर हम एक महीने में अगर 4 ये संडे और सैटरडे आएंगे तो करीब 8000 के आसपास हम लोग इसको सोच रहे थे कि 8000 बनेगा, लेकिन अभी तक जो फिगर हमको मिली है वो बहुत ख़राब है। अभी तक हमने टोटल कुल 5000 बनाए अब तक, मतलब ये करीब ये 20 दिन की फिगर बता रहा हूँ, अभी हमारे टोटल 5000 बने हैं, उसमें भी अंत्योदय के अलावा भी शामिल है, मतलब जो जिनको और बनने हैं जो अन्य जो हमारे इसके लिए जो पात्र हैं वो भी शामिल करके, लेकिन अंत्योदय का जो लक्ष्य रखा था हम लोगों ने 8000 वो हम लोग अभी तक किसी भी अभी मतलब एक जो हमारा रविवार शनिवार है उसमें नहीं पाए। तो इसमें आप लोगों को थोड़ा अपनी सक्रिय भागीदारी निभाना है और इसके अलावा तो मैं ये भी कहता हूँ कि जो आपके यहाँ कार्ड धारक हैं जो आते हैं लेने आप उनसे भी ये अपील कर सकते हैं कि ये क्यों इसका लाभ नहीं ले रहे। अगर मान लीजिए हम कैंप नहीं भी लगाएं तो हमारे लगभग सभी ग्राम पंचायतों में जन सेवा केंद्र हैं, उनको सिर्फ एक दिन वहाँ जाना है, अपना आधार कार्ड अपना एक फोटो लेके जाना है और उसका उसमें से 5 मिनट लगता है एक कार्ड एक उसमें उसका रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। ये क्यों नहीं जा रहा है मैं इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा, इसके प्रति लोगों के अंदर मतलब जागरूकता क्यों नहीं है। ये तो बहुत अच्छी स्कीम है, 5 लाख रुपए तक आपका मुफ्त में इलाज होना है हॉस्पिटल से, इस लाभ पर इस योजना का लाभ क्यों नहीं हम लोग देना चाहिए ना, ये लोग ये क्यों नहीं देना चाह रहे हैं। देखिए बायोमेट्रिक काम अगर नहीं कर रहा है तो उसके बारे में तो अभी हमारे एक्सपर्ट बताएंगे आपको उसके लिए क्या विकल्प है, क्योंकि ये चीज़ है ये देखिए ये बड़ी संख्या का कोई भी फिंगर काम नहीं कर रहा होगा उसमें प्रिंट बुक लिए तो वो संख्या के उसके बारे में भी चर्चा होगी।
लेकिन उसके बावजूद भी अभी बहुत बड़ी संख्या में हमारे अंत्योदय कार्ड के परिवार के लोग हैं जो अभी इस योजना से वंचित हैं। तो जब बहुत प्रयास करने के बाद भी इसमें पूरी टीम लगाई गई थी, 3-4 लोगों का टीम था, तो ये कार्ड ये इसके लिए जो कैंप लगाए थे आप लोगों को वो चीज़ हुए कि नहीं, ये मैं थोड़ा लोगों से जानना चाहूँगा। फील्ड में देख रहे हैं तो निश्चित तौर पे प्रयास हुआ है, पर फिर भी अभी इसमें सुधार की आवश्यकता है। कुछ कोटेदार ऐसे हैं जो इसका मिसयूज कर रहे हैं, इसका गलत फायदा उठा रहे हैं और उनके लगातार शिकायतें आ रही हैं, इस पर अभी हम बात करेंगे। दूसरा बिंदु है पीएम वाड़ी की, जैसा कि अरुण ने और एडीएम ई साहब ने आपको बताया होगा, एक ये नई व्यवस्था भारत सरकार की तरफ से लागू की जा रही है जिसमें उत्तर प्रदेश को चुना गया है, और ये पूरी व्यवस्था जो है हमारी जो पीडीएस सिस्टम है इसको बेसिकली गुजरात मॉडल की तरफ हम लोग लेके जाना चाह रहे हैं। इसके बारे में मैं भी आपको थोड़ा सा सरल शब्दों में और थोड़ा सा डिटेल बताऊंगा कि इसमें आपको क्या लाभ हो सकता है या हमारी जो वितरण व्यवस्था है उसमें कैसे और ज्यादा सुधार होगा, आपके इनकम के सोर्सेस कैसे बढ़ेंगे। तीसरा बिंदु है इसमें फाइलेरिया उन्मूलन को लेकर के, जो 12 मई को एक दिन का अभियान है बेसिकली फाइलेरिया उन्मूलन, उसमें आपके सहयोग की अपेक्षा है। और चौथा बिंदु है आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत में आप सबको पता है कि एक गोल्डन कार्ड बनाया जाता है लाभार्थी का, जिसको 5 लाख रुपए तक कैशलेस मेडिकल फैसिलिटीज जो है अवेलेबल कराई जाती है, और ये अंत्योदय कार्ड होल्डर्स जो हमारी जिले में है वो 1,26,000 हैं, और लगभग 3 आयुष्मान कार्ड के हमारे अंत्योदय कार्ड होल्डर्स जिनका अभी आयुष्मान कार्ड बना नहीं है, तो हमारी अपने उनको भी ये लाभ मिल सके। तो सबसे पहले बिंदु पे आते हैं जो है एनएफएसए या राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, जो बेसिकली हमारा मूल काम है डिस्ट्रीब्यूशन का काम। कहें कि उस माँ की जो अद्यतन सूची है उसको जरूर आप लोग उसमें चस्पा करें। अपने सारे बेनिफिशरीज के आधार फीड और सीट कर दिए थे, इसमें आप लोगों का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण रहा था। तो अगर हम 35 लाख लोगों के यूनिट्स को फीड और सीट कर सकते हैं आधार कलेक्ट करके, तो चलिए धन्यवाद। देखिए तीसरा जो बिंदु है वो फाइलेरिया का है। फाइलेरिया दिवस 12 तारीख को मनाया जा रहा है। जनपद के सभी कोटेदारों के साथ, सप्लाई डिपार्टमेंट के अधिकारी, मार्केटिंग के अधिकारी, सभी के साथ विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए यहाँ गोष्ठी आयोजित की जा रही है। सर्वप्रथम तो अभी इस महीने का उठान जो होना है और सिंगल स्टेप डिलीवरी के लिए उनका प्रशिक्षण क्षमता वृद्धि भी की जा रही है और उसकी रूपरेखा उनको बताई जा रही है, और उनसे अपेक्षा की जा रही है कि बिना कोई कटौती के 100% पारदर्शितापूर्ण शासन की मंशानुरूप वितरण कोटे का करें, राशन का करें। दूसरा, पीएम वाणी स्कीम के अंतर्गत जो कोटेदारों की दुकानों के पास वाईफाई जोन बना के लोगों को निःशुल्क वाईफाई सुविधा उपलब्ध कराने की बात आ रही है, उसकी योजना के बारे में उनको बताया जा रहा है। बीएसएनएल के अधिकारी भी यहाँ उपस्थित हैं, तकनीकी जानकारी देके उनको इस योजना को सफल बनाने के लिए बात कही जा रही है। और साथ ही साथ आयुष्मान योजना के तहत अंत्योदय कार्ड धारकों को शिविर लगाते हुए बीएलईस के साथ जोड़ते हुए आच्छादन सुनिश्चित करने के लिए बताया जा रहा है, और उसमें सभी कोटेदारों द्वारा आश्वस्त भी किया जा रहा है कि उनको सहयोग देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस अच्छी योजना का लाभ देंगे।